किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मीडिया की कलम पर बंदूक का पहरा। मेरा कुछ अनुभव है, हो सके कि गलत भी हो और हो सके कि सही हो, तो जो खास करके नौजवान है मैं उनसे चाहता हूँ कि विद्रोह शेयर उसको जरूर करें। हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ 100 आदमी भी आ जाते हैं तो ये पूरा जाम हो जाता है। आप वहाँ पे बीच में झंडा भी लगा दोगे ना, झंडा आप किसान संगठन के 3 झंडे काट दो, पुलिस प्रशासन की उन झंडों को हटाने की हिम्मत नहीं, उसी से जाम हो जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि पुलिस तो चाहती है कि हम वहां से सील कर दे, यहाँ से सील कर दे। आप यहाँ पे बैठे रहो, ये 50,000 की गैदरिंग यहाँ पे बैठे हुए, जब तक आप किसी को दिखोगे नहीं तो प्रचार कैसे होगा? भाई दो ही तंत्र हमारे प्रचार के हैं, एक है मीडिया। कुछ गलत लोगों ने गलत फहमियां पाल के है मीडिया को अलग तरह से पुकार कर उनके जूते बजा के यहाँ से भगा दी। यहाँ पर 100 मीडिया के लोग रहते थे एक महीना, आपने भी हटा दिया, प्रचार खत्म हो गया। दूसरा प्रचार था हमारा पब्लिक का, ये रोड इसलिए खाली छोड़ रखे था कि हम यहाँ से लगाकर वहां तक आज 5 किलोमीटर तक हमारी लाइन आई। अगर दिल्ली के लोग इस लाइन को नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? दोनों प्रचार आपने खत्म कर दिए, आप बैठे हो। तो मेरे ब्राय मेहरबानी है कि यहाँ पे आए हो तो हमारा प्रचार भी होना चाहिए। बढ़िया खंबे लग रहे हैं, इसमें बढ़िया झंडे बांध दो, यहाँ से 5 किलोमीटर तक बढ़िया इसमें अपने फोटो लगाओ। जो जो भी जत्थेबंदी आ रही है, जो जो भी लोग हैं, अपने फोटो लगा के उस पर स्लोगन लिखो, एक यहाँ लिखो एक अगले पर लिखो, पूरा उसका कवर हो जाए। जो लोग यहाँ से आएंगे, लाखों लोग यहाँ से दिल्ली का निकलता है, जब वो जाएगा तो कहेगा अच्छा यहाँ से लगा के वहां तक ट्रैक्टर में बहुत किसान है। और आपने बंद कर दिया तो निगेटिव फीलिंग क्या जाएगी कि किसानों ने रास्ता रोक रखा, 5 घंटे में जाम में भरा, किसान ने रास्ता रोक रखा, तो निगेटिव फीलिंग चली गई। देखो पॉजिटिव और निगेटिव दो फीलिंग है, हमको ये करनी है कि जनता हमारे पक्ष में रहे, हमारा प्रचार करें और हमको देखे। भाई मीडिया वालों से भी है, मैं सुन, मीडिया के ऊपर कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, समझ गए? कैमरे और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, उसके बाद में भी आपकी कवरेज दे रहे हैं तो इनकी हिम्मत मान लो, इनको तो सम्मान करना चाहिए, इनको सोफे भेंट करना चाहिए जो यहाँ पर आ रहे हैं। आप इनको अपना कैसे बनाओगे? भाई यही तो सिखाया है गुरुजी ने कि दूसरे को अपना कैसे बनाओगे, उसे प्यार करो, उसे बातचीत करो, उसे आप वो करनी नहीं, आप इनके पीछे भागते हो तो ये भाग गया तो सारे। अब तो हासिल है उनको पकड़ कर, 1 महीने से हमने ठीक वो कर रखे थे, लेकिन भाई कई दिन से देख रहा कि कुछ अलग विचारधारा के लोग आए गांव में, भाई ये कुछ भी दिखा रहे हैं, इन्हें दिखाना दो, दिखाएंगे ठीक भी दिखाएंगे। आप अपना शांति से आपको ये आंदोलन चलाना है, आपने इसमें दूसरे तरीके का कर दिया, ये फेल हो जाएगा। सरकार आपके खिलाफ, उद्योगपति आपके खिलाफ है, आपकी बड़ी लोगों से आपकी लड़ाई है, विपक्ष वाले भी आपके खिलाफ, वे भी सोच रहे हैं मुद्दे तो हमारे थे, इन्होंने किसान संगठन नहीं चुरा लिया हमारे। तो ये है कि सब लोगों का सम्मान करो, यहाँ पे सबको बुलाओ, कई कई घंटे अब तो मीटिंग चलती रहती है। अपने जो संचालक होते हैं ये किसी को कुछ कह भी देते हैं, हम भी वहां बैठ के सारा खुलगा, हमें भी बुलवाए तो हमें बुलवाए थे, बनते तो होंगे हम दूर थे तो हमें भी 1-2 मिनट का टाइम मिल जाए कभी कभी। हमें कल, हम आज तो राजस्थान नहीं गए क्योंकि वहां पर जाम था, हमें करीब 250 किलोमीटर वो रास्ता बैठा था जहां से जाना, तो कल सुबह 7 बजे निकलेंगे हम।